पन्नू ने कहा हथियार हमारे तैयार हैं किसान भाइयों, और वहां वहां आप ले लेना, राजस्थान से ले लेना, जम्मू कश्मीर से ले लेना, बॉर्डरों से ले लेना, हथियारों का इंतजाम कर दिया। आंदोलन करना जंतर मंतर पे होते, पूरे देश में होते, लोकतंत्र मुल्क है, आंदोलन करना हर व्यक्ति का हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। पर आप दिल्ली आके आंदोलन करें, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद करें, दिल्ली के अंदर कुछ शरारती लोग को, पाकिस्तान के लोग को, ISI के लोग, जिस तरीके से पन्नू ने अभी कहा कनाडा अमेरिका के अंदर कि हमने पाकिस्तान के जरिए हथियार भेज दिए हैं राजस्थान के अंदर, कश्मीर के अंदर, आप पुलिस के ऊपर गोलियां चला, क्या बात कर रहे हैं, पन्नू ने ये बात कही है? अरे आपको वीडियो देता हूँ, पन्नू ने कहा हथियार हमारे तैयार हैं किसान भाइयों, और वहां वहां आप ले लेना, राजस्थान से ले लेना, जम्मू कश्मीर से ले लेना, बॉर्डरों से ले लेना, हथियारों का इंतजाम कर दिया। फर्ज करो पाकिस्तान 4 आदमी 10 आदमी हथियारों से भेज दे, को RDX भेज दे, को दिल्ली के आके कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं PM हाउस, कहीं उपराष्ट्रपति भवन, कहीं पार्लियामेंट के पास, कहीं किसी एम्बेसी के अंदर को बम गोलियां चला दे, तो कहां जाएंगे हम? देश की सुरक्षा कहां खड़ी है? मुझे एक चीज का सवाल, जब एक बार 26 जनवरी को ये हादसा हो चुका, किसान आंदोलन हाथ से निकल गया, दिल्ली दहल गई, तो अब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और अब तो आप इंटरव्यू लेके आए, सरेआम कहा गया हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे, हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मुखिया मार देंगे, हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री की मदर जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसने इतना बड़ा योद्धा पैदा किया हमारे राष्ट्र के अंदर, जिसने 370 धारा हटाई, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिसने दुनिया को विश्व गुरु की तरफ ले जाना, ये हिंदुस्तान दरअसल है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपकी को बात नहीं मानी जाती तो आप कब्जा कर लोगे? तो ये कौन सा तरीका, मुक्की मार देंगे, पंजाब में आया तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको बम्बों से, इसका जवाब कौन देगा? इसका समाज जवाब तो सिख समाज को देना होगा। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में एयर कंडीशन है, ट्रैक्टर में टॉयलेट भी है, ट्रैक्टर में खाना भी बनता है, वो कमी तो नहीं, खुशहाल स्टेट है, सब कुछ होने के बावजूद पंजाब खुशहाल स्टेट है। पर चलो, उनकी उनकी आंदोलन एक मांग है, उनके कोई मांगे हैं, मैं फिर कहूँ मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं पूरे देश में जाता हूँ, मुझे तो ऐसा कभी घिराव नज़र नहीं आता किसानों, मेरा टटूरी बाहर रहता है, मैं तो दिल्ली में होता ही कम हूँ, पंजाब में होता ही कम, अभी गुजरात गए तो वहाँ पर किसान, क्या बात है, यूपी में ये आपके ये बॉर्डर पे है, लो अभी चले जाऊँगा गाजियाबाद से, आगे कोई आंदोलन ही नहीं है। अब यूपी की बात करें, लो हरियाणा में चलते हैं, करनाल चलते हैं, या अपन इधर चलते हैं रोहतक चलते हैं, आप इधर चलते हैं राजस्थान की, कोई आंदोलन ही नहीं है। तो फिर ये मुझे नहीं समझ, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा, प्रोपेगेंडा मानते हैं आप इस आंदोलन को? आपने ये सारा देख के आया, आप मुझे समझा सकते हैं, समझा दें, मेरी समझ के बारे, किसान पूरे हिंदुस्तान के एक हैं, अलग अलग तो नहीं है। जाके गुजरात की खेती देखिए, गुजरात के अंदर देखिए, बंजर जमीन वहां के लोगों ने सोने की जमीन बना दी। दिमाग है, दिमाग से चलते हैं, प्यार दिल से चलते हैं, व्यापार दिमाग से करते हैं। यहाँ दिमाग कहाँ है बताओ? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चे तो विदेशों में चले गए, हमें छोड़ गए माँ बाप को सब, इधर बच्चे तो विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ है ही कोई नहीं। आप किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन करिए, पर किसान आंदोलन के बीच में खालिस्तान के नारे लगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने के नारे लगे, वो ठीक नहीं।